हेलो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पुलिस आरक्षी एवं पीएससी के पदों पर जो 2015 में सीधी भर्ती आई थी उसी में अभी कुछ जो पद खाली के लिए सूचना आपको मिली चुकी थी। मैंने पहले भी इसके लिए वीडियो बनाया था, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा था तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने उसमें बताया था आपको 1366 पद जनरल के लिए खाली हैं और अभी भी फिर और एक नई न्यूज़ आई है कि जो अनारक्षी श्रेणी में 1366 पद तो खाली थे ही, अब अनुसूचित जाति के लिए भी 13 सीट अभी भी खाली है महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो मैं इसी बारे में बात करने वाला दोस्तों, तो चलिए पूरी न्यूज़ बता देते हैं और कब से क्या कुछ इसका शुरू होने वाला है सारा कुछ मैं इसमें बात कर लेता हूँ। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल वेस्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर ऐसा ही अक्सर न्यूज़ लेके आता रहता हूँ जिससे आपको फायदा हो सकता है। तो बिना देर किए फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि कैसे क्या सब कुछ है इसमें। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट के इस पर से जो विज्ञप्ति जारी की गई थी दोबारा उसके लिए न्यूज़ या फिर सूचना दी गई थी उसी सूचना को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे इसमें सूचित लिखा है कि सूचित किया जाता है कि आरक्षी पुलिस एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती 2015 के अंतर्गत आरक्षी पीएससी के 5716 पदों के सापेक्ष संशोधित चयन परिणाम तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 114 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इनमें 36 आरक्षण के अंतर्गत 5 स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित एवं 1 भूतपूर्व सैनिक सम्मिलित हैं। इस चयन सूची में अनारक्षित श्रेणी में 1366 पद रिक्त रह गए हैं, जैसा कि आपको साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस चयन सूची में अनारक्षित श्रेणी में 1366 पद रिक्त रह गए हैं। मैं अब इसी के बारे में आगे बात कर लेता हूँ। सरकार इस पुलिस आरक्षी महिला के 5800 पदों के सापेक्ष संशोधित चयन परिणाम में अनारक्षी श्रेणी में 2900, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1566, अनुसूचित जाति श्रेणी में 1205 तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 116 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इनमें 36 आरक्षण के अंतर्गत 1517 संग्राम सेनानी के आश्रित सम्मिलित हैं। इस चयन सूची में अनुसूचित जाति श्रेणी में 13 पद अभी भी रिक्त रह गए हैं। दोस्तों मैं इसमें बता दूं, यदि आप अनारक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो आपके जो कट ऑफ बना है वह 393.33 के हिसाब से बना हुआ है, और अनुसूचित जनजाति का जो महिला कैंडिडेट हैं केवल पुलिस आरक्षी के लिए उनका है 393.53 से है। ठीक है, आगे हम इसी पे बात कर लेते हैं कि आपका जो दस्तावेजों की समीक्षा होनी है और आपका जो पात्रता आरक्षण के लिए जो आपका दस्तावेजों की जो समीक्षा होनी है वो कब से होनी है और आपकी शारीरिक मानक परीक्षा वो कैसे होनी है और किस डेट से प्रारंभ होगी, तो मैं बता दूं इसी महीने में 17, 18 और 19 तीन डेट्स रखे गए हैं दोस्तों, जिसके लिए आप देख लीजिएगा नंबर पैरा पे लिखा हुआ है बोर्ड द्वारा प्रकाशित सूचना विज्ञप्ति संख्या PRPB 182 2015 दिनांक 29/12/15 में दी गई प्रक्रिया के अनुरूप अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा प्रदेश के 8 जनपदों जो कि इस प्रकार हैं इलाहाबाद, आगरा, बलेरी, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, इन्हीं सभी जनपदों में आपका जो प्रक्रिया है वह 17, 18, 19 सितंबर 2018 को होगी। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इसकी जो भी प्रक्रिया है वह 17 सितंबर, 18 सितंबर और 19 सितंबर को होना तय कर दिया गया है। और आप अपने जो भी मतलब एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करने के लिए आप बोर्ड की वेबसाइट से जा करके, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली जा करके वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैंने बोर्ड ऑलरेडी पहले से ही डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप जा करके बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए ये जो आपका विज्ञप्ति है वो 9 तारीख से ही प्रारंभ कर दी गई है, और आप यदि अब तक आप इसके बारे में नहीं जान सकें तो तुरंत देख लीजिए और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और आप क्लियर कर लीजिए कि आपका किस डेट में है इन तीनों डेटों में से, यानी कि 17, 18, 19 में से आपका किस दिन है वह देख लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि जो लोग भी अभी इससे अनजान रह चुके हैं या उनको नहीं पता उनको भी पता चल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें दोस्तों।